हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम येलो फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब एक नई फंगस आ गई है जो कि है येलो फंगस। इससे पहले दो टाइप की फंगस आई थी, ब्लैक और वाइट फंगस, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। तो ब्लैक फंगस के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वाइट फंगस का बहुत छोटा सा वीडियो है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों वीडियोस की लिंक दे दूंगी। अब बात करते हैं येलो फंगस की। ये भी एक नई फंगस जो कोरोना पेशेंट्स में दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें जानना क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, मेनली हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेडलियर है ब्लैक और वाइट से, अभी तक ऐसा पता चला है। पहले ब्लैक फंगस भी काफ़ी ज़्यादा डेडलियर थी, अभी भी है वो, और 8,000 से ज़्यादा इसके केसेस आ गए हैं इंडिया में, और इसीलिए इसको एपिडेमिक भी बोल दिया है। एपिडेमिक किसी भी जो बीमारी है उसको कब बोला जाता है, जब वो किसी एरिया को, किसी कंट्री को, किसी स्टेट को परेशान कर रही हो, मतलब उसमें फैल चुकी हो अच्छी तरह से, तो फिर इसको एपिडेमिक बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ब्लैक फंगस को एपिडेमिक बोल दिया है और काफ़ी ज़्यादा केसेस के आ रहे हैं। वाइट फंगस के 4 केसेस थे पटना में, हमने वो डिस्कस कर लिए। अब येलो फंगस की बात करते हैं, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये न्यूज़ है, येलो फंगस जो मोर डेडलियर है ब्लैक और वाइट फंगस से। ये डॉक्टर त्यागी हैं, इन्होंने बोला है कि जो येलो फंगस है ना, इस टाइप की कोई फंगस इससे पहले ह्यूमंस में नहीं दिखाई दी। इससे पहले एनिमल में तो दिखाई दी गई है ये, लेकिन पहला ही केस आया है, ऐसा पहली बार हुआ है कि ये किसी ह्यूमन बीइंग में दिखाई दी है, ठीक है। और ये इससे पहले कभी किसी ह्यूमन में नहीं दिखाई दी, एनिमल्स में दिखाई दी गई है, ठीक है। तो क्या है येलो फंगस, किसको हो रही है? तो जो केसेस हैं वाइट और ब्लैक फंगस की, वो तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के तो ऑल ओवर इंडिया में ही आ गए हैं, और जो वाइट फंगस है उसके केसेस अगर हम बात करें तो पटना बिहार में इनिशियली 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे, और जो येलो फंगस है उसके केसेस गाज़ियाबाद में आए हैं। यूपी गाज़ियाबाद में येलो फंगस का एक केस आया है, ठीक है। तो एक बच्चा था जिसको येलो फंगस हुई और वो उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक भी हो गया। ट्रीटमेंट क्या है वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब येलो फंगस जो आई वो इन दोनों से ज़्यादा डेडलियर है। पहले तो ब्लैक और वाइट ये दोनों जो वो भी डेंजरस थी, और अब येलो फंगस उनसे भी ज़्यादा डेंजरस है। क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे। किनको होती है? तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कैंसर है, या कोमॉर्बिडिटीज़ कोई बीमारी है, तो उनको येलो फंगस, ब्लैक फंगस या जो वाइट फंगस है वो होती है। बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये फंगस होती है। कैसे होती हैं? देखिए, ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ब्लैक, वाइट और येलो, किसी भी फंगस की बात करूं तो ये सारी की सारी फंगस हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। हो सकता है कोई नया कलर भी आ जाए, आपका फेवरेट कलर भी आ सकता है, ठीक है, ब्लैक, वाइट, येलो, हो सकता है पिंक भी आ जाए तो गर्ल्स खुश हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी कलर आ रहे हैं, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज़ है बाय द वे। तो ये जो है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, कैंसर है, इस तरह की कोई भी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो डायबिटीज़ वगैरह है उसमें स्टेरॉइड्स देके इम्यूनिटी को वीक किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत होता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से अपनी जो सेल है बॉडी की, वो खुद को ही डैमेज कर रही होती है, और इस वजह से इम्यूनिटी वीक की जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इम्यूनिटी वीक की जाती है, उनमें अगर कोविड भी हो गया है तो कोविड में क्या होता है, बेसिकली कोविड इन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम है। अब इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इनकी इम्यूनिटी है वो वीक है, और इसी वजह से जो फंगस है ना उससे इनकी एंटीबॉडी लड़ नहीं पाती। तो मतलब इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो फंगस है उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। फंगस तो आपने ऑलरेडी देखी होगी, हमारे फूड वगैरह में कई बार फंगस लग जाती है, अचार वगैरह में लग जाती है, आपको कई जगह पे फंगस दिखाई दी होगी। तो फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी उनसे लड़ पाती है और इसीलिए वो फंगस हमें परेशान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी एंटीबॉडी इतनी वीक हो कि वो उनसे लड़ ना पाए, तो वो फंगस हमारे बॉडी में आ जाएगी। अब कोविड पेशेंट में क्या हो रहा है, कोविड पेशेंट
वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टैबलेट्स दी जा रही हैं पहली चीज़ तो। अब इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, सेम जैसे डायबिटीज़ और कैंसर वगैरह में होता है। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से फिर उसको कम किया जाता है कोविड के ट्रीटमेंट के बाद। फिर इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, और जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उनकी वजह से एंटीबॉडी जो है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, तो अब एंटीबॉडीज़ वगैरह वर्क उतने अच्छे से नहीं कर रही हैं, तो हमारी इम्यूनिटी वीक है उस टाइम पे। और फिर यही देखने को मिल रहा है ये फंगस वाले पेशेंट में कि कोविड ठीक हो जा रहा है, उसके बाद 2 से 3 वीक बाद ये फंगस दिखाई दे रही है उनमें। ओके ठीक है, समझ आ गया किसको होगी क्यों होगी, वो तो आपको समझ आ गया। अब किस वजह से होती है येलो फंगस वो जान लेते हैं। तो अगर बैड हाइजीन है, हाइजीन अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से येलो फंगस हो सकती है। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, अच्छे से हाइजीन फॉलो करना है, होम को क्लीन करके रखना है। ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकती है, तो होम वगैरह क्लीन करना है, तो उससे फंगस ना लगे, नहीं लगेगी तो हमारी बॉडी में भी नहीं आएगी। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट दोनों के सिम्टम्स और दोनों के कॉजेज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेक श्योर दैट नो फूड इज़ गेटिंग स्पॉइल, कोई भी फूड जो है वो ख़राब ना हो, और अगर ख़राब हो रहा है तो उसको पहले ही अच्छे से डिस्पोज कर दिया जाए ख़राब होने से पहले। ठीक है, तो मतलब जो फूड है वो सड़ना गलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको उससे पहले डिस्पोज कर दिया जाए, जिससे कि आपका होम भी क्लीन रहे। ठीक है, कोई फेकल मैटर है वो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लीन किया जाए, कोई मल वगैरह है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लीन किया जाए, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगस उसमें ना लगे, ग्रो ना हो। ठीक है, तो गंदगी बेसिकली नहीं रखनी है, क्लीन करके रखना है, फूड को वेस्ट नहीं होने देना है, और अगर हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी किसी भी, जैसे कि आप गाय वगैरह को किसी को भी खिला सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको फूड को ख़राब नहीं होना है। उसके बाद जो घर का टेम्परेचर है, हमारे रूम का जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, ये भी मैटर करता है। हमारा जो आइडल टेम्परेचर है, ज़्यादा अगर हीट होती है तब भी फंगस क्या करते हैं, ईजीली सर्वाइव कर पाते हैं। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों, ये दोनों ही मॉइस्चर और हीट जो होती है, ये फंगस को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो समर चलती है, समर के टाइम पर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पर फंगस ज़्यादा लगती है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस टाइम पे फंगस ज़्यादा लगती है। ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है, तो देखिए आइडल जो ह्यूमिडिटी है 30 से 40% टू की प्रिवेंट फंगस फ्रॉम गोइंग। ठीक है, तो 30 से 40% होती है तो फंगस जो है वो ग्रो नहीं करती, अगर ह्यूमिडिटी लेवल इतना है तो। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल चेक करें और ह्यूमिडिटी जो है उसको कम रखें। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बेसिकली आपने देखा होगा मौसम जो चेंज होता है उसकी वजह से होती है, बारिश होने से के बाद, और इस तरह से ह्यूमिडिटी होती है। तो जनरली जो होता है ना, 50 के बाद अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी उस लेवल में, 50 से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है, 50% से ज़्यादा, तो जनरली जो फंगस है वो ग्रो करती है। तो 30 से 40% है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली ह्यूमिडिटी लेवल और टेम्परेचर की वजह से भी जो फंगस है वो ग्रो करती है। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स अगर हमें येलो फंगस है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो लेथर्जी होगी। ठीक है, लो एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, भूख कम लगना, वीकनेस होना, आलस होना, ठीक है, और वेट लॉस होना, तो ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, वीकनेस, भूख ना लगना, वेट लॉस, इसके बाद और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये तो जनरली सब में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे तो कोविड चल रहा है, घर में पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें तो दिखती हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो पस लीकेज हो सकता है, और जो कोई भी घाव है ना उसका हीलिंग बहुत स्लो होगा, मतलब कि वो इतनी जल्दी हील नहीं करेगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो घाव बहुत स्लो हील करेगा, और पस निकलना, जैसे येलो कलर का वो आपने पस लीकेज देखा होगा, ठीक है, जो घाव वगैरह में से निकलता है तो उसका लीकेज हो सकता है, तो ये सीवियर सिम्टम्स हैं इसके। उसके बाद माल न्यूट्रिशन हो सकता है, कुपोषण और ऑर्गन फेलियर। ये ऑर्गन फेलियर सभी तरह की फंगस में जब लास्ट स्टेज है उस पर ऑर्गन फेलियर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से ये डेडली है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है और डेथ हो जाती है लोगों की। ओके, इसके बाद सनकन आइज ड्यू टू इवेंचुअल नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, ये जो नेक्रोसिस प्रोसेस होती है उसमें जो सेल होती है ना वो पूरी तरह से बनने की, जब जैसे 120 दिन का जो टाइम होता है सेल को बनने का, तो पूरा 120 दिन की लाइफ से पहले ही प्री मेच्योर कंडीशन में ही वो खुद को मार देती है। और ये क्यों होता है, दूसरी सेल्स को डैमेज ना करें इस वजह से वो सेल क्या करती है, खुद को ही मार लेती है। ठीक है, तो खुद को मारने की प्रोसेस को नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से बढ़ नहीं पाई और प्री मेच्योर कंडीशन में ही ख़त्म हो जाती हैं,
इस वजह से सनकन आईज भी हो सकती है, ये आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस तरह की आईज जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है येलो फंगस में, ओके ठीक है। ओके, ये जो नेक्टोसिस वाली प्रॉब्लम है ये आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट्स में भी होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बेसिकली तभी होती है कि जो इम्यूनिटी वीक है और कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी आई है, तो वो सेल उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है और लड़ नहीं पा रही है, उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो दूसरी डैमेज ना उस वजह से हो जाती है, ठीक है। ओके, तो काफ़ी कुछ इस तरह का हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर ही लिया है, तो आपको अच्छे से पता होगा ही अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या है, तो ये तीनों तरह की जो फंगस है ना उसमें ट्रीटमेंट जो है ना वो एक जैसा ही है। क्या एक जैसा ट्रीटमेंट है कि इसमें जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो है एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। मतलब फंगल हो रही है तो एंटी फंगल ड्रग दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये जो इंजेक्शन है इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है इंडिया में, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है या व्हाइट फंगस या येलो फंगस, तीनों ही इनके केसेस मिले हैं, ब्लैक फंगस के काफ़ी सारे केसेस मिले हैं, और ये जो इंजेक्शन है वो तीनों तरह की फंगस में दिया जा रहा है, ठीक है। एमॉर्फोटेरेसिन बी, ठीक है, एमॉर्फोटेरेसिन बी ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, और ये येलो ब्लैक और व्हाइट तीनों तरह की फंगस में है, ठीक है। काफ़ी महंगा है, मैंने येलो फंगस सॉरी जो ब्लैक फंगस था उसमें आपको ये बताया था कि ये इंजेक्शन भी काफ़ी महंगा है और ये इसमें दिया जाता है, इसकी शॉर्टेज हो गई और इसकी वजह से इसके काफ़ी सारे मतलब और इसके इम्पोर्ट भी के लिए भी बोल दिया है गवर्नमेंट ने। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक न्यूज़ यहाँ पे कवर की है कि दिल्ली ने शॉर्टेज दिल्ली में शॉर्टेज हो गई है, इवन पूरे इंडिया में ही कई जगह पे शॉर्टेज हो रही है इस ड्रग की, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है उसके केसेस बढ़ गए हैं और इसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, ये देखिए कि इंडिया में जो ब्लैक फंगस है उसके केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, यहाँ पे आप केस देख सकते हैं, इंडिया में टोटल केस हैं 8848 केसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है वो 197 है, राजस्थान में 700 केस है, मध्य प्रदेश में 720 केस है, और लगातार ये बढ़ ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हैं गुजरात में, और इनको जो ये जो ड्रग दिया जाता है, ये जो इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, वो उसी रेशियो में प्रोवाइड किया जाता है, सबसे ज़्यादा गुजरात को प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे केसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में है, तो इस तरह से केसेस आप देख सकते हैं यहाँ, और 200 से करीब ज़्यादा डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो डेथ है वो 200 से ज़्यादा हो चुकी है ब्लैक फंगस से, और यहाँ पे 8848 केसेस अभी कंट्री में रिपोर्ट किए गए हैं, और भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और एपिडेमिक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, वाइट फंगस जब हमने डिस्कस किया था, तो एपिडेमिक किसी भी कोई भी बीमारी होती है तो उसको एपिडेमिक कब बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, उससे क्या होता है बेसिकली, उसको एपिडेमिक घोषित करने के बाद क्या चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड 4 वीडियोज़ हैं मेरे, तो एक तो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, और एक और है केस जो कि बता रहा है कि जिसमें ब्लैक फंगस जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी वजह से फैल रही है। तो ये 4 लेक्चर्स से रिलेटेड है जो मैंने यहाँ पे इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो सब आप देख लीजिएगा, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो फिर डिटेल में वहाँ से पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।